तो भाइयों आज मैं लेके आया हूँ मिर्ज़ापुर के तीसरे सीज़न का एक जेन्युइन रिव्यू, जिसको देखने में मुझे पूरे 2 दिन लगे। और ये रिव्यू उन लोगों के लिए खास तौर पर है जिन्होंने पहला और दूसरा सीज़न इसका देखा हुआ है, क्योंकि वो इसको रेट करेंगे। जिन्होंने पहला और दूसरा सीज़न नहीं देखा हुआ है, आपसे चाहूँगा कि आप इसका पहला और दूसरा सीज़न भी ज़रूर देखें। अब जिन लोगों ने मिर्ज़ापुर 1 और 2 देखा है, उनके लिए अब ये रिव्यू यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, जैसे ही मिर्ज़ापुर 3 सीजन्स का पहला एपिसोड स्टार्ट होता है, तो उस एपिसोड के शुरू में ही हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है कि मुन्ना भैया इस सीज़न में दिख सकते हैं। पहले सीन में मुन्ना भैया का जो है क्रियाक्रम जो भी है वो चल रहा होता है, और उसके बाद में उनके आने की उम्मीदें ख़त्म हो जाती है कि दर्शक मानकर बैठ जाएंगे, मतलब जितने भी ऑडियंस है वो सब मानकर बैठ जाएगी कि भैया अब मुन्ना भैया नहीं आने वाले। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा दुख होता है और उसके बाद में फिर स्टार्ट होता है मिर्ज़ापुर 3। धीरे धीरे पहले एपिसोड, दूसरे एपिसोड, 3 एपिसोड, यहाँ तक के 4 एपिसोड तक तो इसकी स्टोरी लाइन ऐसे बनते हैं, नए नए करेक्टर आते हैं, कुछ इस हिसाब से करेक्टर को फिट किया जाता है कि उनके रोल थोड़े थोड़े होते हैं, मतलब उनको थोड़ा बहुत सिर्फ दिखाया जाता है नए नए करेक्टर्स को, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर की मंशा साफ थी कि इन करेक्टर्स को मैं क्लाइमैक्स में यूज़ करने वाला हूँ। तो ऐसा ही है, धीरे धीरे 4-5 एपिसोड तक इसकी स्टोरी बिल्डअप होती है। वो स्टोरी की लाइन क्या होती है, मेनली स्टोरी किसके ऊपर बनती है कि अब कालीन भैया तो जा चुके हैं, लोगों को नहीं पता कि कालीन भैया जिंदा है, लोगों को लगता है कि कालीन भैया लापता है, हो सकता है वो मर चुके हों। तो मिर्ज़ापुर की गद्दी आखिर कौन संभालेगा, इसके लिए 2 कैंडिडेट है। एक तो है अपने अफजल अली साहब गुड्डू पंडित, और दूसरे हैं शरद शुक्ला जौनपुर वाले। तो इन दोनों के बीच में इसमें काफ़ी ज़्यादा दिखाया होता है कि दोनों के बीच में कंपटीशन है। एक जो पूर्वांचल के जितने भी गैंगस्टर्स होते हैं वो सब इकट्ठा होते हैं मिर्ज़ापुर की गद्दी के लिए कि किसको ये गद्दी सौंपनी चाहिए थी। तो थोड़ा बहुत टाइम देते हैं कि आपको दशहरे तक का टाइम है, आप दोनों एक दूसरे से अपने जो भी इशूज़ हैं वो सॉर्ट आउट कर लो, और कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन मिर्ज़ापुर 3 में वायलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, बिना वायलेंस के ये सीरीज़ थोड़ी चलने वाली है। ठीक है, वायलेंस होता है, गद्दी की लड़ाई होती है, बीच में और भी कॉन्स्पिरेसी होती है, बहुत सारे ट्विस्ट हैं मूवी के अंदर। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे मिर्ज़ापुर 1 और 2 से, तो उसके मुकाबले में पहले 8 एपिसोड तक वायलेंस बहुत ही कम है। एक्चुअली पहले 7 एपिसोड तक, 8वें एपिसोड में इस सीरीज़ का सबसे ख़तरनाक वायलेंस सीन दिखा रखा है गुड्डू भैया का, जिसमें गुड्डू भैया ये भी ठीक है कि आंखें निकाल लेते हैं, वो भी एक्सीडेंटली, उनकी ऐसी मंशा नहीं होती। और उस सीन को देख के दर्शक यानी कि मैं खुद भी खूब डरा, और उसको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस सीन को देख के। इवन गुड्डू पंडित जो है, जिसने एक काम किया, इतना भयानक काम किया, उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। दिखाया गया कि वो भी इस सीन के बाद में, मतलब गुड्डू भैया जब कैरेक्टर में थे ये सीन हुआ, उसके बाद में वो कितना डर गए। ठीक है, तो इस तरह का वायलेंस 8वें एपिसोड में मिलेगा, और उसके बाद में कोई खास वायलेंस इसमें, एक और वायलेंस का सीन है जिसमें गुड्डू भैया किसी का सर काटते हैं, ये भी बहुत ख़तरनाक सीन है, बट इसको दिखाया नहीं जाता तो ये अलग बात है। तो इस तरह के 2 सीन हैं। इसके अलावा मिर्ज़ापुर 3 में वायलेंस जैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, इसमें 9वें एपिसोड में एक 8-10 मिनट का फाइट सीक्वेंस है गुड्डू भैया का जेल के अंदर। वो फाइट सीक्वेंस बहुत शानदार है, अच्छी तरह से डायरेक्शन की गई है उसकी, अच्छी तरह से फिल्माया गया है। और 10वें एपिसोड की अगर क्लाइमैक्स के बारे में मैं बात करूँ, तो क्लाइमैक्स में मुझे एक्सपेक्टेड था कि गुड्डू भैया भी होंगे क्लाइमैक्स में। क्लाइमैक्स वाले एपिसोड में गुड्डू भैया का कोई रोल नहीं है उस एपिसोड में, मुझे लगता है कि शायद दिखाई ही नहीं दिए लास्ट एपिसोड में गुड्डू भैया। पूरे 40-45 मिनट तक गुड्डू भैया का कोई सीन नहीं था, सिर्फ उसके बाद में जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद में गुड्डू भैया आए, और 1-2 मिनट का सीन था वो जो दिखाया गया उसके बाद में। तो एक तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी गुड्डू भैया जो लास्ट एपिसोड है उसके अंदर होने ही चाहिए थे एक्शन में, तो ऐसा नहीं। लेकिन फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि आखिरी एपिसोड में मिर्ज़ापुर 3 के जो जान है पंकज त्रिपाठी कालीन भैया, वो फॉर्म में आ जाते हैं, वो एक्शन में दिखते हैं। जो पहले 9 एपिसोड तक आपको सिर्फ ऐसे ही आराम से बैठे हुए नज़र आते थे, 9 एपिसोड तक उनका जो पूरा रोल था लगभग 15 मिनट का होगा पूरे 9 एपिसोड में। एक्चुअली मुझे कहना चाहिए कि मिर्ज़ापुर 3 के लास्ट के जो 10 मिनट है वो अलग कालीन भैया के एक्शन सिक्वेंस वाले एंट्री वाले, और बाकी के 9 एपिसोड अलग। तो दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे दोनों बराबर पड़ेगा। तो इस सीरीज़ में मुझे लगता है कि मिर्ज़ापुर 1 और मिर्ज़ापुर 2 के मुकाबले तो एक कम है स्पार्क
क्योंकि मुन्ना भैया मिर्ज़ापुर सीज़न की जान थे। अब वो नहीं है तो उनके बिना ये पहला सीज़न होगा और दर्शकों को उनकी कमी बिल्कुल ही खलेगी। लेकिन ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इसको देखने में बिल्कुल न्यूट्रल रहा, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा नहीं थी। मुझे पता था कि अगर मुन्ना भैया नहीं होंगे तो इसका लेवल ये होगा, अगर मुन्ना भैया हुए तो इसका लेवल ये होगा। तो इसका लेवल ऐसे रहा, न्यूट्रल मैं कहूँगा कि मुझे इसके बारे में जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे कम तो ये नहीं गया, लेकिन उससे ज़्यादा भी नहीं उठा। और एक्शन वैलेंस इसमें मिर्ज़ापुर 1 और 2 के मुकाबले कम है। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा, क्या मिर्ज़ापुर 4 आएगा? तो डेफिनेटली मिर्ज़ापुर और आएगा, लेकिन इस बार आपका जो इंतज़ार है वो 4 साल का तो खैर नहीं होगा। इस बार आपको अगले 1.5 साल या 2 साल के अंदर आपको मिर्ज़ापुर 4 सीज़न दिखाई दे सकता है। और इसकी नींव इसके लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन में जो 1 मिनट का है उसमें रख दी गई है, वो आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि मिर्ज़ापुर 3 की पूरी स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता था, इसके बारे में बातचीत कर सकता था, लेकिन मैंने इस वीडियो को एज ए इन्फॉर्मेशन बनाया, स्पॉयलर नहीं बनाया। तो इसीलिए मैंने वो आपको जानकारी नहीं दी, अपना रिव्यू दिया है जेन्युइन ओनेस्टी से, ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक फीडबैक भी मिल जाए और साथ में आपका जो है मूड भी ख़राब ना हो कि स्टोरी पहले ही पता चल गई यार। और आप लोग जो नए दर्शक हैं मिर्ज़ापुर 3 सीज़न के, तो मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले मिर्ज़ापुर 1 देखो, 2 देखो, स्टोरी को समझो, तभी मज़ा आएगा मिर्ज़ापुर 3 देखने में। हालांकि मज़ा तो आपको वैसे भी आ जाएगा क्योंकि स्टोरी आपको पता चल जाएगी, लेकिन जब आप शुरू से देखोगे ना तो आप इस सीरीज़ से बिल्कुल ही दिमाग से, दिल से कनेक्टेड रहोगे। तो ये था मिर्ज़ापुर 3 का एक जेन्युइन रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो भाई इस वीडियो को लाइक कीजिए और एंगेजमेंट बनाए रखिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी एंटरटेनमेंट का कोई वीडियो आए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।